मुजफ्फरनगर के मीरापुर में आज बड़ी जनसभा हुई आजाद समाज पार्टी की, और एक तरह से चंद्रशेखर आजाद जी ने आज मीरापुर से चुनावी संघनाद कर दिया। तो चंद्रशेखर भाई, किस तरह का माहौल मीरापुर में आप देख रहे हैं? मीरापुर में आप जैसे अनुभव पत्रकार ने आज की पूरी रैली कवर की है, मैंने आपको देखा था। मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं कि आज की रैली और उस रैली में जो संदेश था उसके बाद क्या मीरापुर के लोगों पे कोई गुंजाइश है? देखो, बिना समीकरणों के चुनाव नहीं जीता जा सकता। समाजवादी पार्टी में कोई चुनावी समीकरण नहीं, ठीक है? और मुकाबला यहाँ सीधा सीधा एनडीए अलायंस से आजाद समाज पार्टी का होगा। जब उनके प्रत्याशी मैदान में आएंगे, उससे पहले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी और उनके नेता कार्यकर्ता भीम आर्मी के पूरे पूरे गांव को जाके लोग बात करके समर्थन हासिल कर चुके होंगे। मेरा विश्वास है कि पार्टियां वोट काटने का काम तो कर सकती हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी फिर भी अच्छे वोटों से जीतेगा। एनडीए अलायंस साहब मुकाबला कह रहे हैं और सीट जानी है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, आपका और जयंत चौधरी जी का दोस्ताना रहा है, अब आमना सामना होंगे? किस चीज़ का आमना सामना? तो चुनाव है, चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जनता को वोट देनी है, तो आमना सामना कोई मेरा झगड़ा हो रहा है उनसे? बड़े भाई थे, हमेशा बड़े भाई रहेंगे, उसमें क्या है? अच्छा, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए, आपने जेजेपी से गठबंधन किया और चुनाव परिणाम बेहद ज़्यादा निराशाजनक और नकारात्मक रहे, क्या कहना चाहते हैं? आप बताओ कारण क्या है, आप तो वहाँ वो करके आए हो, आप बताओ। लो अपने आप मेरा सवाल है आपसे, छोड़ दो एक मिनट जी भाई, मुजफ्फरनगर वालों का माइक का मैं भी यूज कर लूँगा, बताओ जी आपने क्या देखा फील्ड में जाके वहाँ? नहीं, हमने तो देखा हुआ दुष्यंत चौटाला जी की के प्रति किसान वर्ग की नाराजगी थी, और किसान वर्ग और पहलवानों को लेकर जो आपने मुद्दे उठाए, हमेशा किसानों की आवाज़ भी उठाई, पहलवानों की उठाई, नहीं आपके प्रति नाराजगी बन गई लोगों में कि दुष्यंत चौटाला के साथ आप चुनाव में थे। चौटाला जी के साथ आप कह रहे हैं कि उनके साथ जाने से आपके प्रति नाराजगी, मेरे प्रति वैसा विरोध तो नहीं था ना? कि नहीं, आपके प्रति विरोध नहीं था। मैं अब आपको पकड़ो बताता हूँ। देखो, ऐसा पार्टी ने तय किया कि उनको चुनाव लड़ना है, किसके साथ लड़ना है उन्होंने ये भी तय किया, और मैंने पार्टी का वर्कर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी अदा की। कुछ खामियाँ थी, बहुत सीख मिली है, भविष्य में उन खामियों को दूर करके और ज़्यादा मजबूत संगठन बनाकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ऐसी स्थितियाँ देखने के लिए मिल रही है कि जहाँ आप कदम रख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की भी एंट्री वहीं हो रही है, आपने जेजेपी के साथ गठबंधन किया और इनेलो के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, तो दोनों पार्टियाँ आमने सामने, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं मीरापुर में, आपने कैंडिडेट घोषित किया तो मायावती जी ने भी उसी डेट में कैंडिडेट घोषित कर दिया। कोई बात नहीं, जनता समझदार है, जनता को वोट देना है, सबको मौका जनता ने दे दिया, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी, और फिर उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई ऐसे लड़ जाएगी जैसे पार्लियामेंट में लड़ी जा रही। अच्छा, लोकसभा चुनाव में आपने फोकस रखा सिर्फ एक लोकसभा सीट पे, अब आप जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ रहे हैं तो आप पार्टी को नुकसान नहीं होगा इस बात का? अगर बेहतर ना होता कि आप 2-3 सीटों पर ही अपना फोकस रखते? ये भी पार्टी का फैसला है, और पार्टी ने इस चुनाव को लड़ने के लिए 10 सीटों पर उसकी तैयारी की। चुनाव हवा में लड़ा जाता, हम पे उस स्तर का संगठन है, कैडर है, और हम लोगों ने पिछले 2022 के जो हताशा थी उससे सीख लेके पिछले 2 साल में संगठन तैयार किया, जिसका हमने आपको अंदाज़ा कराया उत्तर प्रदेश के नगीना में भी, और जिसका हमने आपको अंदाज़ा कराया बिल्कुल बॉर्डर पे डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें हमें 84,000 वोट मिले। तो हम पे संगठन तैयार है, संगठन को चुनाव लड़ाना है, हमें जो हमारी जहाँ ड्यूटी लगेगी हम जाके अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। तो मीरापुर में सीधा मुकाबला आपका भाजपा से होगा, आप कह रहे हैं कि भी सपा तीसरे स्थान पर रहेगी? फिर मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, जनता को तय करना है। जाहिद भाई का निर्विवाद करेक्टर, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों की मेहनत और जो संघर्ष हमने किया है, वो जन समर्थन जो है वोट के रूप में तब्दील होगा, आप देखना चुनाव परिणाम हमारे फेवर में रहेंगे।